तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है द पब्लिश मिरर पर। इस समय ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है लैंडमाइन, यानी लैंडमाइन ये जो बारूदी सुरंग होती है, इसे हिंदी में बारूदी सुरंग कहा जाता है। ये जो है सीमा पर जो है वो वहां पर लगाई जाती है एज पर सुरक्षा। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के मनकोट इलाके से ये लैंडमाइन जो है वो बरामद हुआ है। और लैंडमाइन बरामद होने का कारण लगातार हो रही बारिश के चलते ये लैंडमाइन जो है वहां पर दिखा, जिसके बाद वहां पर जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, जो रेगुलर पेट्रोल करते हैं, उन्होंने जब इसको देखा तो तुरंत बीडीएस को सूचना दी, और सूचना देने के बाद इसे एक सुरक्षित ठिकाने पर जो है वो किया गया। हालांकि गनीमत रही के कुछ बड़ा हादसा जो है वो पेश नहीं आया, क्योंकि ये लैंडमाइन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा हादसा होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। पुंछ का मेंढर सब डिवीजन और मेंढर सब डिवीजन का मनकोट सेक्टर, मनकोट के पतरी गली एरिया जो है वो बताया जा रहा है, जो कि नियंत्रण रेखा यानी सीमा का एरिया है, और उसके पास से ये लैंडमाइन जो है बरामद हुआ है। और इस लैंडमाइन को तुरंत भारतीय सेना के जवान जो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्होंने इसको देखा। देखने के बाद बीडीएस टीम को इतला दी गई, वहां पर मौके पर पहुंची बीडीएस टीम ने इसे सुरक्षित ठिकाने पर जाकर इसे डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसके आसपास में ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, काफी आबादी वाले क्षेत्र हैं, और सेना ने एक बड़ी अनहोनी को टाला है। अगर उन जवानों को ये लैंडमाइन नहीं मिलता तो कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, एलओसी के पास में कई चुनौतियां रहती हैं सुरक्षा बलों की, और ऐसे में इस लैंडमाइन का बरामद होना एक बहुत बड़ी खबर है। और वहीं आपको बता दें कि इसको डिस्ट्रॉय जो है वो सेफली कर दिया गया सेना की तरफ से, इस पूरे इलाके में जो है वो आसपास, क्योंकि लगातार खराब मौसम के चलते बारिश हो रही थी और ये जमीन के अंदर होते हैं लैंडमाइन, तो बारिश के चलते ये लैंडमाइन कहीं स्लिप होके आगे की तरफ आ गया था, जहां पर जो है सुरक्षा बल, जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उन्होंने इसको देखा और देखने के बाद तुरंत इस पूरे इलाके को जो है वो अपने घेरे में लिया, और बीडीएस की टीम यानी जो बम निरोधक दस्ता होता है उसे बुलाकर इसे एक सेफ जगह, एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिस्ट्रॉय किया। हालांकि इस बात की जानकारी वहां संबंधी पुलिस सूत्रों ने जो है वो दी है, उनका कहना है कि आज ये लैंडमाइन बरामद हुआ है। बहरहाल गनीमत यह रही कि किसी किस्म के कोई नुकसान की खबर नहीं है, और भारतीय सेना के जवानों ने इस लैंडमाइन को रिकवर किया और सेफली जगह पर जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ।